हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आगामी परीक्षा के लिए, किसी भी आगामी परीक्षा के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये एनाटॉमी यानी कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसमें हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं, शरीर में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फीमर, जांघ की हड्डी। अगर सबसे बड़ी की बात करें तो फीमर हड्डी हो जाएगी, जो कि जांघ में पाई जाती है। लेकिन मजबूत हड्डी की बात करें तो ये मजबूत हड्डी यहाँ पे नहीं होगी। मजबूत, सबसे मजबूत हड्डी सिर की हड्डी होती है। तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। सबसे बड़ी यानी कि सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में सबसे छोटी हड्डी। कान में स्टेपिज, कान में तीन तरह की हड्डियां पाई जाती हैं, जो कि होती है इंकस, मैलियस, स्टेपिज। तो कान में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है स्टेपिज। याद रखिएगा, कान में तीन हड्डियां पाई जाती हैं, इंकस, मैलियस, स्टेपिज, और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो स्टेपिज हड्डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या की बात करें तो ये हो जाती है 75 ट्रिलियन, 75 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की मात्रा, शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 6 लीटर, 70 किग्रा शरीर में। अगर कोई व्यक्ति 70 किलोग्राम का है तो उसके शरीर में 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल, RBC, जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, इसे हिंदी में लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं, की संख्या, यहाँ पर संख्या की बात हो रही थी, कितनी संख्या होती है? तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं, पुरुषों में कितनी होती है, महिलाओं में कितनी होती है। महिला और पुरुष दोनों में अलग अलग होती है, तो इसलिए सबसे पहले पुरुषों में देख लेते हैं। तो पुरुषों में 5 से 6 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, 5 से 6 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, और महिला में 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। इसमें देख सकते हैं, पुरुष में 5 से 6 है और महिला में 4 से 5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो वो होता है 120 दिन, 100 से 120 दिन के बीच में होता है। अगर कहीं पर 120 दिन दिया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? यहाँ पर अभी हमने देखा रेड ब्लड सेल, अब देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है। तो 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन। याद रखिएगा, जो सफ़ेद रक्त कोशिका होती है यानी कि सफ़ेद रक्त कणिका, वो कम दिनों तक जीवित रहती है, सिर्फ 3 से 4 दिन, और वहीं पे लाल रक्त कणिका जो होती है वो 100 से 120 दिन तक जीवित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सफ़ेद रक्त कोशिका की गिनती, WBC, मतलब कि सामान्य सफ़ेद रक्त कोशिका कितनी होती है, उसकी गिनती कितनी है? तो 5000 से 10000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समय, RBC द्वारा लिया संचलन का एक चक्र पूरा करने के लिए, RBC जो होती है उसके संचालन को एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है? तो वो हो जाएगा 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का समय लेता है RBC का संचालन करने के लिए, संचालन का एक चक्र पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिका RBC का अन्य नाम क्या है? यहाँ पे हम देख लेते हैं RBC का अन्य नाम, जैसे RBC को इंग्लिश में रेड ब्लड सेल कहते हैं, इसे हिंदी में लाल रक्त कोशिका कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम होता है जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सफ़ेद रक्त कोशिका यानी कि सबसे बड़ी WBC की बात हो रही है यहाँ पे, तो होती है मोनोसाइट्स,
मोनोसाइट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर सबसे बड़ी सफेद कोशिका, सबसे बड़ी WBC की बात की जाए तो मोनोसाइट्स है, और सबसे छोटी रक्त कोशिका यानी कि सबसे छोटी WBC की बात की जाए तो वो होती है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने रक्त समूह की खोज की, रक्त समूह की खोज किसने की है, तो वो है कार्ल लैंड स्टीनर। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की है, वो रक्त समूह, या पूछ लेगा रक्त समूह की खोज किसने की है, तो कार्ल लैंड स्टीनर, इसे आप ध्यान में रखिए, याद करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स गिनती, ब्लड प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा आंसर 150,000 से 400,000 माइक्रो लीटर प्रति प्लेटलेट्स। आप देख लीजिए 150,000 से 400,000। हीमोग्लोबिन देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, तो पुरुष में 14 से 15 ग्राम पर डीएल और वहीं महिला में 11 से 14 ग्राम पर डीएल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में एचबी सामग्री यानी कि हीमोग्लोबिन की बात हो रही है यहाँ पे, तो 500 से 700 ग्राम, 500 से 700 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच, तो 6.5 से 8 तक मूत्र का पीएच होता है, और रक्त का पीएच देख लेते हैं, यहाँ पर रक्त का पीएच दिया हुआ है, रक्त का पीएच 7.36 से लेकर 7.41। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर्य की मात्रा 2 to 5 मिलीग्राम पर स्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शुक्राणु काउंट, नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना है, 250 से 400 मिलियन पर स्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है, 28 दिन का। रजनो निवृत्ति उम्र यानी कि मेनोपॉज किस उम्र में होता है, हो जाएगा 45 से 50 साल, 45 से मेनोपॉज 45 से 50 साल की उम्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त के थक्के जमने में कितना समय लगता है, तो रक्त का थक्का जमने में 3 से 5 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम मानव वयस्क में, 1300 से 1400 ग्राम वजन मस्तिष्क का वजन होता है मनुष्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रक्तचाप BP यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा होता है, तो होता है O ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल रक्त प्राप्तकर्ता AB ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत शरीर का वजन 70 kg, हाइट और उम्र के हिसाब से 70 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शरीर का तापमान यानी कि टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फारेनहाइट की बात करें तो 98.66 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्राम के समय पर सांस लेने की दर कितनी हो जाती है, 12 से 16 पर मिनट, 1 मिनट में 12 से 16 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की नसों की संख्या 31 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्रंथि, इसको हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, जो
थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो लीवर हो जाएगी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्राम के समय सामान्य दिल की धड़कन कितनी होती है? जब आप आराम कर रहे होते तो उस समय आपके दिल की धड़कन कितनी होती है? तो प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, 72। अगर पल्स रेट की बात करें, नॉर्मल पल्स रेट की, तो 72 बीट पर मिनट, एक मिनट में 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ भी आपको ऊपर मैंने बताया है, सबसे बड़ी ग्रंथि वो होती है जिगर। सबसे बड़ी ग्लैंड यानी ग्रंथि हो जाती है जिगर, जिसे लीवर, इंग्लिश में लीवर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी यानी कि मसल, सबसे बड़ी मसल कौन सी है? तो हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस। ये कूल्हे के स्नायु मांसपेशी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटा स्नायु, सबसे छोटा स्नायु तो हो जाएगा स्टेपेडिवस, स्टेपेडिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लाल रक्त धमनी नस, सबसे बड़ी लाल रक्त धमनी नस हो जाएगा महाधमनी एरोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नील रक्त धमनी नस हो जाएगा इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी और सबसे लंबी नस, सबसे बड़ी और सबसे लंबी नस जो है वो है स्कियाटिक नर्व। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी नर्व सबसे बड़ी होती है, तो वो है स्कियाटिक नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा सेल, सबसे लंबा सेल यानी कि सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी, उचित दर्शन के लिए, देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए उचित दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स रेट यानी कि पल्स दर 72 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट, एक मिनट में 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पतली त्वचा, अगर सबसे पतली त्वचा की बात करें तो वो होती है पलक की त्वचा, सबसे पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का वजन, दिल यानी कि हार्ट का वजन कितना होता है? होता है 200 से 300 ग्राम, 200 से 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद क्या बढ़ते रहते हैं? तो मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद बाल और नाखून हमेशा बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।